हाँ भाई, अभी देखो आज जो हम पढ़ने वाले हैं टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। टू टाइम्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, टू टाइम्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होगा? टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स लाइज बिटवीन माइनस वन टू प्लस वन। ठीक है, पाई प्लस टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर कब होगा? जब एक्स इज ग्रेटर देन वन। और माइनस फाइव प्लस टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर कब होगा? व्हेन एक्स इज लेस देन माइनस वन। यहाँ का उत्तर हाँ, व्हेन एक्स इज लेस देन माइनस वन। ठीक है, सो हम पढ़ते जाते हैं इनको। ये इसका पहले प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ, सो हमको क्या पता है? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, इसके बारे में पता है। एक क्या पता है इसके बारे में भाई? टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई व्हेन एक्स वाई इज लेस देन वन, ये हमको पता था, लास्ट टाइम हमने प्रूफ कर लिया। उसके बाद क्या पढ़ा था? पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई वन माइनस एक्स वाई व्हेन एक्स कॉमा वाई इज ग्रेटर देन जीरो एंड एक्स वाई इज क्या था? ग्रेटर देन वन, तो था ये। ठीक, और क्या पढ़ा था हमने? माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई व्हेन एक्स कॉमा वाई लेस देन जीरो एंड एक्स वाई इज ग्रेटर देन वन, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। ठीक ना, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो इसी की हेल्प से प्रूफ कर रहे हैं। We are putting y equal to x. Put y equal to x. ठीक है ना? जैसे आप y equal to x रखते हैं, तो आप देखें यहाँ पे क्या आ जाएगा? Two tan inverse x, है ना? और tan inverse x plus tan inverse x कितना हो गया? Two times of tan inverse x equal to, यहाँ पे देखो आप क्या होगा? x plus x, one minus x square, tan inverse 2x अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इज लेस देन वन, क्या होगा? एक्स स्क्वायर इज लेस देन वन, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू प्लस वन, यही आ गया पहला वाला, यही लाना था आपको, माइनस वन से प्लस वन तक ये होता है। ठीक है, अब क्या होता है आपके पास अगर पॉजिटिव है? ठीक, पॉजिटिव है, सो यहाँ पे देखो आप, तो क्या हो जाएगा? पाई प्लस टेन इनवर्स ये पूरा टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर कब होगा? एक्स और वाई पॉजिटिव होना चाहिए, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वन। ठीक है, ये क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन वन, तो हमारे पास क्या केस है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वन का? एक्स कहां से? आइदर वन से बड़ा हो या माइनस वन से छोटा हो, तो माइनस वन से छोटा नहीं ले सकते हम, क्योंकि ये किसके लिए था? ग्रेटर देन जीरो के लिए था, तो ये किसके लिए हो गया? एक्स ग्रेटर देन वन। समझ में आया कि नहीं? यहाँ क्या हो गया? एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वन, तो ग्रेटर देन वन का मतलब क्या हुआ? एक्स वन से ज्यादा हो या माइनस वन से कम हो। ठीक है, तो माइनस वन से कम वाला केस नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स वाई इज क्या था आपका? सॉरी, यहाँ पे क्या होगा? ये वाला हाँ, यहाँ पे क्या था? दोनों पॉजिटिव थे, माइनस वन से कम नहीं हो सकता। ठीक, क्योंकि क्या है? पॉजिटिव, तो एक्स शुड बी ग्रेटर देन वन। अब फिर क्या हो जाएगा? ये वाला हो गया प्रूफ, ये वाला। फिर तीसरा वाला क्या होता है? माइनस फाइव प्लस ये सारा कब कब होता है? जब निगेटिव हो और प्रोडक्ट क्या है? ग्रेटर देन वन हो, तो मतलब क्या हुआ? एक्स शुड बी लेस देन माइनस वन पे ये प्रूफ हो गया। ठीक है, इसका प्रूफ ये हो। ठीक है, आपको इसको याद रखना है, इसे आप याद कर लें। ठीक, क्वेश्चंस करता हूं मैं अभी, क्वेश्चंस इन्हीं के बेस पे करते हैं अपन थोड़ा। ठीक है, इफ टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर, इफ टू एंगल्स ऑफ
ट्रायंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर कितने कितने हैं भाई, टेन इनवर्स टू एंड टेन इनवर्स थ्री, कितना है टेन इनवर्स टू एंड टेन इनवर्स थ्री, ये दोनों एंगल दिए हैं। देन फाइंड द थर्ड एंगल, देन फाइंड द थर्ड एंगल, ये तो सभी को पता है कि तीन एंगल होते हैं किसी भी ट्रायंगल में, तो दो एंगल दिए हैं, तो तीसरा एंगल क्या होगा, पाई माइनस मतलब 180 माइनस सम ऑफ दिस टू, राइट, सम ऑफ दिस टू करना पड़ेगा। सो यहां देखेंगे tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 कितना हो जाएगा, कौन सा फॉर्म लगाएंगे, ये देखो दोनों पॉजिटिव है, ये क्या होगा 2 भी ग्रेटर देन 0 है और 3 भी आपका ग्रेटर देन 0 है, और क्या है 2 × 3 ग्रेटर देन 1 है कि नहीं, तो कौन सा फॉर्म लगेगा, पाई प्लस टेन इनवर्स 2 + 3 अपॉन 1 माइनस 2 × 3 यह लग जाएगा, ठीक है ना, रीजन यहां लिखा मैंने x > 0, y > 0 and xy > 1, ठीक है, तो कितना हो गया पाई प्लस टेन इनवर्स माइनस 1 भाई 3 × 5 अपॉन माइनस 5 कितना हो गया माइनस 1, ये माइनस 1 कितना होता है आपको पता है, टेन इनवर्स ही क्या हो जाता है माइनस पाई बाई 4 कितना हो गया माइनस, तो कितना हो गया ये पाई माइनस पाई बाई 4 कितना हो गया 3π/4 कितना हो गया 3π/4, तो थर्ड एंगल विल बी, थर्ड एंगल कितना होगा, थर्ड एंगल विल बी पाई माइनस इन दोनों का सम 3π/4 मतलब कितना हो गया पाई बाई 4, ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आ गया आपका थर्ड एंगल, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं मैं, प्रूव दैट, प्रूव दैट cos inverse 4/5 plus cos inverse 12/13 equal to cos inverse 33/65 ये होता है, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है, इसका मतलब क्या हो गया, cos inverse का आपको फॉर्मूला नहीं पता, cos inverse का फॉर्मूला नहीं पता, तो इसको tan में ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं, tan में एक ऐसे बना लेते हैं और इसको थीटा मान लो, cos inverse 4/5 equal to theta, तो ये थीटा हो गया, तो बेस हो गया 4, हाइपोटेन्यूस हो गया 5, ठीक, तो ये कितना हो गया 3, ठीक है, सिमिलरली इसके लिए मान लेते हैं 5, इसको 5 मान लिया मैंने, इसको मान लिया है 5, ठीक है, so cos inverse 12/13 equal to 5 हो गया, तो बेस कितना होगा 12, हाइपोटेन्यूस 13, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 144, ठीक है 25, तो कितना हो गया 5, ठीक, और अगले वाले को एक और बना लेते हैं कुछ, चलो ये देखो तो एलएचएस क्या हो गया टेन में, सो ये टेन इनवर्स कितना हो गया 3/4 प्लस ये टेन इनवर्स कितना हो गया 5/12, तो नया टेन इनवर्स 3/4 हो गया, टेन इनवर्स 5/12 हो गया, ये दोनों ग्रेटर देन 0 है, ये दोनों क्या हो गया ग्रेटर देन 0, प्रोडक्ट क्या हो गया लेस देन 1, देखते हैं जरा 3/4 × 5/12 कितना होता है 5/16 less than 1, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट less than 1 हो गया,
एक्स वाई लेस देन वन पे आपके पास फॉर्मूला क्या है, एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो कितना हो गया, थोड़ा सा हिसाब किताब कर लो सही, ये हो गया 36 प्लस 20 है ना, और ये कितना हो गया 48 माइनस 15 कितना हो गया, 6 5 3 33, ये 10 इनवर्स आया है ना, ये क्या आ गया 10 इनवर्स। यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको 10 इनवर्स है, ठीक है ना। सो एक कॉस में चाहिए, अभी कॉस में कर लो इसको, इक्वल टू इट विल बी कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा 33 अपॉन 65। आप इसको ट्रायंगल बना सकते हैं, जैसे ऊपर बनाया ना इसमें ट्रायंगल बनाने का, इसका एंगल जाहिर कर दिया ना, सो परपेंडिकुलर कितना गया 56, ये हो गया 33, तो ये होता है 65। सो कॉस में कितना हो गया 33 अपॉन 65, यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू निकालनी है हमें 10 नंबर्स, हाफ 10 2a प्लस 10 इनवर्स cot a प्लस 10 इनवर्स cot 2k, ठीक है ना। इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, a कहां से कहां तक है, ए हमारा 0 से लेके π/4 तक है, ए हमारा 0 से लेके π/4 तक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आप ये देखें ये कितना हो गया, पहला वाला 10 इनवर्स हाफ, 10 2a की वैल्यू कितनी होती है 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर, ये हो गया। और इन दोनों का एडिशन क्या आएगा, इन दोनों का एडिशन क्या आएगा, आप ये देखेंगे cot a इन cot a और cot क्यूब a, दोनों ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है, ये ग्रेटर देन 0 है क्योंकि 0 से पाई बाई 4 के बीच में सारे एंगल्स आपके पॉजिटिव होते हैं, सारे एंगल्स पॉजिटिव होते हैं, और दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा ग्रेटर देन 1 होगा, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा दोनों का ग्रेटर देन 1, क्यों, तो cot a जो है वो 1 से ज्यादा है, cot a इज ग्रेटर देन 1, सो प्रोडक्ट इज cot raised to 4 a विल बी ग्रेटर देन 1, सो इट विल बी पाई प्लस 10 इनवर्स क्या हो जाएगा इन दोनों का सम, cot a plus cot क्यूब a 1 माइनस cot raised to 4 a कर दिया, इन दोनों का प्रोडक्ट है ना, ये पाई प्लस 1 में आ गया, क्यों हो पाई प्लस, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है, अब cot a ग्रेटर देन 1 है, सो इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या हो गया, cot a अगर खुद ही ग्रेटर देन 1 है तो raised to 4 मतलब cot a into cot cube greater than 1 हो गया, हमारे पास फॉर्मूला है 10 का, उससे हमने यूज किया, ठीक। तो ये दोनों का है, ये होगा 10 इनवर्स 10 a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a, इधर क्या हो गया पाई, इधर चलो लिख लेते हैं यहीं पे पाई प्लस, इसको जरा हिसाब किताब लगाते हैं अपन, इसका हिसाब किताब लगाओ क्या आएगा, tan इनवर्स अगर हम इसको 10 में कर लेते हैं तो कुछ होगा क्या,
अगर आप इसको 10 में कर लेते हैं तो क्या होगा, 1/10 प्लस 1/10³a अपॉन 1 - 1/10⁴a। थोड़ी कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, सो कितना आ जाएगा, 10 inverse 10a अपॉन 1 - 10²a, और इसको भी इधर लिख लेता हूं मैं, 10 inverse क्या होगा, 10³a -10a सॉरी +10a अपॉन 10⁴ हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, 10⁴a प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक्चुअल में माइनस 1 है, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया 10⁴ हो गया, नीचे भी 10⁴। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए आप लोग को, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, अपन थोड़ा सा और सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं, ये हटा रहा हूं मैं, स्पेस चाहिए मुझे थोड़ा। तो आप देखेंगे इसमें कुछ कैंसिल प्लस 5 भी बचा है, क्या हो जाएंगे, 10 inverse 10a अपॉन 1 - 10²a, और इधर क्या हो जा रहा है, 10 inverse, अगर 10 ही कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा, 10a अगर कॉमन ले लेते हैं अपन तो कितना आएगा, 10²a प्लस 1, ये आ जाएगा ना, 10²a प्लस 1, नीचे क्या आएगा, a² - b² का फॉर्मूला, तो क्या आएगा, 10²a माइनस 1, और क्या आ जाएगा, 10²a प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, a माइनस b a प्लस b प्लस 5। ठीक है, ये दोनों गए। ठीक है, तो इन दोनों का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, आप चाहे तो इसको ऐसे कर सकते हैं, 10 inverse 10a, आप देख रहे हैं अपोजिट साइन है, यहाँ क्या है, अपोजिट साइन, तो माइनस साइन अगर कॉमन ले लिया जाए, यहाँ लिख लेते हैं किस तरह, 10 inverse माइनस साइन कॉमन ले रहा हूं, तो 10a अपॉन क्या हो जाएगा, 1 - 10²a प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये माइनस साइन क्या हो जाएगा, बाहर आ जाता है, अपने प्रॉपर्टीज में पढ़ रखा है, तो जैसे ही बाहर आएगा तो ये और ये कैंसिल, आंसर विल बी 5। ठीक है, आंसर इज 5। ठीक, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है, लेट ए बी सी इज ग्रेटर देन 0, लेट ए कॉमा बी कॉमा सी इज ग्रेटर देन 0, देन प्रूव, देन प्रूव 10 inverse √a(a+b+c)/dc+ क्या आएगा, 10 inverse √ba+b+c)/ca+10 inverse √ca+b+c)/ab। ठीक है, कि वैल्यू निकालनी है, सॉरी प्रूव करना है, देन प्रूव दैट इज इक्वल टू पाई, दिस होल थिंग इज इक्वल टू पाई, हमें प्रूव करना है। ठीक है, ठीक, इसको हमें प्रूव क्या करना है, ये हमारा पाई है। ठीक, तो अभी देखो आप,
पहले चेक कर लेते हैं कि ग्रेटर देन वन है लेस देन वन है, तभी तो आप फॉर्मूला लगा पाओगे। तो इन दोनों को पकड़ा हमने, सो इन दोनों को ये एक्स मान लिया और ये वाई, तो एक्स वाई देखते हैं, एक्स वाई कितना आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, ए अपॉन बी सी और ए प्लस बी प्लस सी इंटू बी अपॉन सी ए, ए प्लस बी प्लस सी, ए से ए गया बी से बी गया, ठीक है। ऊपर क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना हो गया, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन, अपॉन क्या है, सी स्क्वायर प्लस सी, सो सी अपॉन सी वन प्लस ए प्लस बी अपॉन सी, दिस इज होल थिंग इज ग्रेटर देन वन डेफिनेटली, क्योंकि ये सब चीज पॉजिटिव है, ए बी सी क्या है पॉजिटिव और ये वन और आ गया, तो कितना हो गया, होल थिंग इज ग्रेटर देन वन, ठीक। और ये दोनों सेपरेट, एक्स एंड वाई इज ग्रेटर देन जीरो, दिस इज ग्रेटर देन जीरो, दिस इज ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि सब पॉजिटिव है और एक्स वाई इज ग्रेटर देन वन, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है इन दोनों का सम का, इन दोनों के सम का फॉर्मूला क्या है, इसको रख करके लिख लूंगा मैं, इन दोनों के सम का फॉर्मूला आएगा टेन इनवर्स पाई, सॉरी पाई प्लस टेन इनवर्स इन दोनों का सम, इन दोनों का सम क्या आएगा, ए अपॉन बी सी ए प्लस बी प्लस सी प्लस अंडर रूट बी अपॉन सी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन वन माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, वन माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट लिख लेते हैं एक बार, क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी और ये क्या आएगा, बी अपॉन सी ए प्लस बी प्लस सी, ये आ गए। क्यों आया भाई, रीजन बता दिया आपको, क्योंकि एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन जीरो और एक्स वाई क्या आ गया था हमारा ग्रेटर देन वन, तभी ये आया है, ठीक है ना, तभी ये आएगा। और थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं इसके, क्या कॉमन है, ऊपर कुछ कॉमन है ना, स्क्वायर रूट ऑफ बी ए प्लस बी प्लस सी, ये कॉमन आ गया, अपॉन क्या कॉमन है, रूट सी, पूरे पे रूट ले लेते हैं, अपॉन सी कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा, रूट ए बाई बी प्लस इधर क्या बचेगा, बी बाई ए, ये बचेगा है ना, और नीचे क्या बचेगा भाई, जो काटम पीटी करनी है वो कर लो, ठीक है, वन माइनस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी, ये बचेगा, आगे वाला छूट क्या है उसको यहाँ पे अटैच करने का, प्लस क्या आएगा, ये सारा यहाँ पे आएगा, प्लस टेन इनवर्स कितना आएगा, सी अपॉन ए बी ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर रूट, ये साथ में चलता रहेगा, ठीक है। अभी थोड़ी सी और कैलकुलेशन कर लेते हैं, ऊपर का स्पेस फ्री कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना लेके क्या आना था, इस पूरे की वैल्यू लानी चाहिए थी पाई, इस पूरे को क्या लेके आना है आपको, पाई लेके आना है, तो कितना हो गया, पाई प्लस टेन इनवर्स जो क्या रूट ए प्लस बी प्लस सी अपॉन रूट सी, और ये कितना हो गया, ए प्लस बी अपॉन रूट ए बी अपॉन कितना होगा, सी माइनस हो जाएगा, है ना, सी माइनस होगा तो माइनस कितना आएगा, ए प्लस बी बाई सी, ये आ गया, ठीक। प्लस प्लस टेन इनवर्स कितना है, अंडर रूट सी अपॉन ए बी ए प्लस बी प्लस सी, ये सब है, ठीक।
इस ए प्लस बी से ये ए प्लस बी गया, ठीक है। ये रूट सी जो है, ये जो रूट सी है उसको क्या लिख सकता हूं मैं, रूट सी इंटू रूट सी, तो एक रूट सी से ये वाला रूट सी चला जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा आप देखेंगे थोड़ा ध्यान से, इसमें ध्यान से देखना जरा क्या बचेगा, पाई प्लस टेन इनवर्स रूट ए प्लस बी प्लस सी अपॉन जाएगा, ये रूट सी ऊपर चला गया और ये क्या हो जाएगा अपॉन रूट ए बी, ठीक है। माइनस साइन बचा हुआ है, प्लस टेन इनवर्स अंडर रूट सी अपॉन ए बी ए प्लस बी प्लस सी। अब ये देखें ये क्या दिखाई दे रहा है, दोनों सेम टू सेम है ना, सेम टू सेम है कि नहीं, सब पे रूट लगा दो एक साथ, इधर उधर जो घूम रहे हैं इन सब पे एक साथ है और कोई बात नहीं है, रूट सी ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे भी है, रूट ए भी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी माइनस साइन और है इस पर, राइट। सो टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, माइनस टेन इनवर्स है, सो इसका माइनस साइन आते ही ये दोनों कैंसिल, जैसे ये कैंसिल हो जाएगा आंसर आ जाएगा हमारा पाई, वही लेके आना था, वही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। हेंस वी हैव प्रूफ इन दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू पाई, हेंस वी हैव प्रूफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई टेन इनवर्स थ्री साइन टू अल्फा अपॉन फाइव प्लस थ्री कॉस टू अल्फा प्लस टेन इनवर्स टेन अल्फा बाय फोर, ठीक है। अल्फा कहां से कहां तक है हमारा, अल्फा हमारा माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू तक है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, ठीक है। कैसे सिंप्लीफाई करें, इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, तो देखो आप टेन इनवर्स थ्री साइन टू अल्फा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टेन कितना होता है, कितना होगा टू टेन अल्फा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, चेक करते हैं जरा, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा ये क्या हो जाएगा वन प्लस होगा ना, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, ठीक है वन प्लस होगा, ठीक है। थ्री इंटू टू टेन अल्फा अपॉन वन प्लस टेन साइन टू अल्फा का फॉर्मूला है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ टेन अपॉन फाइव प्लस थ्री कॉस का भी कॉस टू अल्फा का भी इन टर्म्स ऑफ टेन क्या होगा वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ये आ गया प्लस टेन इनवर्स टेन अल्फा बाय फोर ये होगा, ठीक। आपको ऐसे समझ में आता है कि फॉर्मूला है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो आप इसको, टेन इनवर्स कितना हो जाएगा सिक्स टेन अल्फा ऊपर होगा अपॉन इधर से कितना हो गया पांच और तीन ये फाइव प्लस फाइव टेन स्क्वायर अल्फा है ना प्लस थ्री माइनस थ्री सो पांच टेन स्क्वायर अल्फा में से तीन गए तो कितने बचे टू टेन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, प्लस टेन इनवर्स टेन अल्फा बाय फोर ये बचा। यहां से कुछ सुना सकते क्या, सुना तो सकते आप टू, यहां से टू उड़ाया जा सकता है, ठीक है। सो कितना आएगा tan इनवर्स थ्री टेन अल्फा
अपॉन 4 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस टेन इनवर्स टेन अल्फा इनटू 4। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है अल्फा कहां से कहां तक है, माइनस पाई बाई टू से लेके प्लस पाई बाई टू तक। क्वेश्चन में दिया है अल्फा जो हमारा है माइनस पाई बाई टू से लेके प्लस पाई बाई टू तक है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी होगी। अब इन दोनों का प्रोडक्ट चेक करो जरा, सो प्रोडक्ट कितना आएगा यहाँ चेक कर लेता हूं मैं। थ्री टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 4 इंटू 4 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा, दिस इज लेस देन 1 डायरेक्टली, है ना। ये 16 प्लस 4 10 है, तो डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा हो गया, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा है ये, ठीक है ना। तो 4 10 स्क्वायर अल्फा अकेला आ गया और ये क्या है प्लस 16, सो डिनोमिनेटर इज मच मोर देन न्यूमरेटर, हेंस इट इज लेस देन 1, तो डायरेक्टली फॉर्मूला लग जाएगा। क्या होगा इसका फॉर्मूला, tan inverse this plus this 3 tan alpha plus tan alpha by 4 upon sorry 3 tan alpha upon 4 plus tan square alpha आएगा, है ना। a plus b 1 minus a b 1 minus 3 tan alpha upon 4 plus tan square alpha into tan alpha upon 4 हो गया। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए आप लोग को, ठीक ना। यहां तक इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आगे थोड़ा हम देख लेते हैं सॉल्व करके कि क्या आ रहा है। तो कितना आएगा भाई, tan इनवर्स कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई मार रहा हूं डायरेक्ट, 12 tan अल्फा प्लस 4 tan अल्फा प्लस tan क्यूब अल्फा अपॉन, इधर से कितना आ गया भाई 16 प्लस 4 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये आ गया, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अभी देखो आप कितना कितना कुछ कम ज्यादा हो रहा है, कुछ कलेक्ट हो रहा है क्या, 12 और 4 16 tan अल्फा प्लस tan क्यूब अल्फा, यहां पे कितना हुआ 16 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, 4 माइनस 3 1 बचा, ऊपर से क्या कॉमन ले लें अपन, tan अल्फा कॉमन ले लेते हैं, तो tan इनवर्स tan अल्फा कॉमन है, तो क्या बचा है 16 प्लस tan स्क्वायर अल्फा ऊपर बचा, नीचे क्या बचा 16 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ये दोनों गए। अब अल्फा कहां से कहां तक था, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक, तो इसको कैंसिल करने में कोई दिक्कत नहीं था। हेंस आंसर इज अल्फा, सिंप्लीफाई होके ठीक है, आंसर कितना आ गया आपका अल्फा। हाँ भाई, आगे क्या है सॉल्व करना है, सॉल्व tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि आपको x के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, जब भी ऐसा होता है जो आपके आपके लिए इनके बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, x के बारे में कुछ पता नहीं है, तो इट कैन बी x y लेस देन 1, इट कैन बी x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 x y इज ग्रेटर देन 1, इट कैन बी एनीथिंग राइट। सो आपको बिल्कुल बेसिक वाला फॉर्मूला लेना है x y लेस देन 1 वाला। ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा tan इनवर्स 2x प्लस 3x upon 1 minus 2x into 3x, क्या मान लिया हमने, assuming
2x into 3x less than 1, ये हमने assume कर लिया है, ठीक है? जब भी ये नहीं दिया होगा तो आप basic formula के लिए assume कर सकते हैं. Equal to कितना है? Pi by 4. तो कितना हो गया? 5x upon 1 minus 6x square equal to 1. 1 क्यों हो गया? कि 10 इधर चला गया है ना, 10 operate किया गया है तो no side. ठीक? और ये बिल्कुल बेसिक माना जा रहा है कि ये पूरा माइनस फाइव बाई टू से लेके प्लस फाइव बाई टू तक होगा. क्यों? क्योंकि x के ऊपर हमने कुछ भी नहीं बताया. सो 5x इक्वल टू कितना हो गया? 1 माइनस 6x स्क्वायर. इसका मतलब कितना हो गया? 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0. यहाँ से फैक्टराइज कर लो आप. यहाँ से फैक्टराइज करके x की दो वैल्यू आती है. क्या आती है भाई? 1 by 6 and minus 1. 1 by 6 and minus 1. Minus 1 के ऊपर क्रॉस 1 by 6 दो वैल्यू आ गई. 1 by 6 और minus 1. जैसे आप minus 1 करेंगे तो ये given equation को satisfy नहीं करता. ये क्या हो जाएगा? Minus 2 minus 10 inverse 2x minus 10 inverse 3x. ठीक है, तो negative आ जाता है. तो क्या है? Positive होता है तो satisfy नहीं करता. So minus 1 को हम लोग हटा देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे. तो x की वैल्यू केवल एक होगी 1 by 6. दूसरा क्वेश्चन करते हैं सॉल्व. दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई? tan inverse x plus sin inverse x equal to tan inverse 2x. तो सॉल्व करना है तो इसको उधर कर लेता हूं मैं. तो sin inverse x equal to कितना हो गया? tan inverse 2x minus tan inverse x. ठीक है, अब यहाँ कौन सा फॉर्म लगाएंगे? फिर से x के बारे में डिस्कशन नहीं है. फिर से x के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है. जब x के बारे में डिस्कशन नहीं है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? बिल्कुल बेसिक वाला. क्या होता है वो? tan inverse a minus b upon 1 plus ab. ठीक है, upon 1 plus ab. तो कितना हो गया? tan inverse x upon 1 plus 2x square. ठीक, sin inverse x को tan में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम लोगों ने इसको पढ़ा था ना पहले. sin inverse x को थीटा मान लिया था. तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो ये टेन में क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, टेन से टेन को मतलब दोनों साइड टेन ऑपरेट हो रहे हैं, कैंसिल वैंसिल नहीं होता है. एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना आ गया? एक्स अपॉन 1 प्लस 2x स्क्वायर, ये आ जाएगा. ठीक है, इसको सॉल्व करना है. ठीक, x में भी 0, राइट? सो वी कैन नॉट कैंसिल आउट x. x कैसा हो सकता है? 0 भी हो सकता है, तो हम कैंसिल आउट नहीं करेंगे. आगे प्रोसीड कर रहा हूं मैं इसको. सो कैसे होगा? स्क्वायर करते हैं बोथ साइड. स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे आप स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू या माइनस x स्क्वायर, एक साइड ले लेता हूं मैं, 1 प्लस 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0. ठीक है, तो जैसे क्या आ जाएगा? x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 प्लस 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 minus x square upon 1 minus x square into 1 plus 2x square the whole square equal to 0. समझ में आया? क्या क्या है? x square common, 1 upon this, 1 upon this, cross multiply की गई है. ठीक है, LCM भी ले लिया गया मतलब. So, यहाँ तक सभी का सवाल. अब देखो कोई फ्रैक्शन जीरो हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? न्यूमरेटर जीरो है. न्यूमरेटर जीरो है मतलब ये पूरा जीरो है. दिस इक्वल टू जीरो और 1 माइनस 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस x स्क्वायर का इक्वल टू जीरो. ठीक है,
तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या करें अपन, यहां से क्या है x इक्वल टू जीरो, और यहां से देख लेते हैं जरा सॉल्व करने में टफ जाएगा, तो वन माइनस टू वाई मान लेते हैं, y क्या हमारा x स्क्वायर माइनस वन माइनस वाई इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू आपने क्या माना है x स्क्वायर, इसकी वजह से हो रहा है, लिखने में ही हो जाए बस, ठीक है। तो कितना हो गया वन वन, इसके बाद कितना हो गया फोर वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई फिर माइनस वन प्लस वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। माइनस वन प्लस वन गया तो y कॉमन, ठीक है। तो कितना बचा इसमें से, ये कितना हो गया माइनस थ्री वाई, तो माइनस थ्री ये बचा, इधर से फोर वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। तो यहां से क्या क्या आया, वाई इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू थ्री बाई फोर, वाई इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू थ्री बाई फोर, यहां हमने माइनस साइन, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे फोर वाई स्क्वायर टू ए बी, ठीक है, माइनस वन प्लस वाई, ठीक है। उसके बाद क्या आया, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो और एक्स स्क्वायर इक्वल टू थ्री बाई फोर, तो एक्स कैन बी क्या हो गया यहाँ पे, एक्स कैन बी प्लस और माइनस थ्री बाई फोर, ठीक है, और जीरो, एक्स कैन बी जीरो और प्लस माइनस थ्री बाई फोर, ये पॉसिबल केसेस हैं, ठीक है ना। वन माइनस ये गड़बड़, ये यहाँ प्लस आना चाहिए, ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, ये वन प्लस है, ये वन प्लस है, यहाँ प्लस है, फिर क्या आएगा फोर वाई प्लस फाइव आएगा, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ आया अपना, फोर वाई कितना आ गया माइनस फाइव बाई फोर, वाई कितना आ गया माइनस फाइव बाई फोर, तो एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी माइनस फाइव बाई फोर, राइट, एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी माइनस फाइव बाई फोर, यहाँ पर गड़बड़ हो गई, ठीक। एक्स स्क्वायर, एक्स क्या था अपना, ये सब रियल नंबर्स थे, तो स्क्वायर रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसको हटाओ, तो एक्स इक्वल टू जीरो इज द ओनली सॉल्यूशन, व्हिच इंप्लाइज x इक्वल टू जीरो इज ओनली सॉल्यूशन, ठीक है, दूसरा इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अगला डिस्कस कर लेता हूं मैं, क्या है भाई, cot इनवर्स 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू cot इनवर्स 1 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन x माइनस tan इनवर्स 6x, ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है, ठीक। ये कितना हो जाएगा टेन में, ये रिवर्स हो जाएगा एक्स अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये टेन में कितना हो जाएगा एक्स अपॉन वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टेन इनवर्स सिक्स एक्स, ठीक है। अभी क्या है, इसको इधर ले लेते हैं, टेन इनवर्स एक्स अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस tan इनवर्स 6x इक्वल टू, आप इधर भी फॉर्मूला लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होगी, x अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, tan इनवर्स 6 प्लस tan इनवर्स 3 क्या होता है, tan इनवर्स, कुछ x के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, x अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6x अपॉन 1 माइनस x अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 6x इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक ना, ये आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे,
दोनों साइड टेन ऑपरेट कर देंगे, जैसे ही आप टेन ऑपरेट करोगे तो टेन इनवर्स गायब और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। जैसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, x प्लस 18x क्यूब प्लस 16x अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू x अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किसी भी मेथड से सॉल्व करें, you can use any method to solve this problem, ठीक है ना। x कॉमन ले लो आप, उधर से भी ले लो, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो अपने पास लास्ट जो लाइन बन रही है मैं वो लिख देता हूँ, क्योंकि ये सभी कर सकते हैं। 1 माइनस 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक। सो x cannot be 0, इट कैन नॉट बी जीरो, क्यों, क्योंकि ऊपर वो क्वेश्चन ही डिफाइन नहीं हो पाता। अगर x जीरो हो जाएगा तो क्वेश्चन ही डिफाइन नहीं हो पाएगा, और ये कभी जीरो हो नहीं सकता, ये भी जीरो नहीं हो सकता, तो क्या जीरो होगा। सो हियर x विल बी प्लस माइनस 1 बाई रूट 3 ओनली, दिस इज योर सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद एक और डिस्कस कर लेता हूं मैं, और क्वेश्चन है, इफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज ग्रेटर देन 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cot inverse xy plus 1 upon x minus y plus cot inverse yz plus 1 upon y minus z plus cot inverse zx plus 1 upon z minus x। so, इसको tan में कैसे बदलते हैं, ये greater than 0 होगा कि नहीं। अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रल tan इनवर्स x माइनस y अपॉन xy प्लस 1 हो जाएगा। अभी है कि नहीं देख लेते हैं, ये तीनों तो पॉजिटिव है और xy से बड़ा है शायद, अभी इसमें लगाया नहीं। x इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन z है, x इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन z ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो x माइनस y भी क्या हो गया, पॉजिटिव, तो ठीक है। यहां पे ये पॉजिटिव है क्या, अगर ये पॉजिटिव है y greater than z, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, tan inverse yz plus 1 upon y minus z upon yz plus 1। ये देखो आप z minus x आ गया, negative आ गया, z minus x क्या हो गया, negative, ऊपर तो positive है नीचे negative है, so it will be pi plus tan inverse z minus x upon zx plus 1, ये हमने पहले प्रूव किया था, ठीक है ना। जब cos inverse x equal to pi plus tan inverse 1 by x, कब, जब x is less than 0, ठीक है, greater than 0 तो tan के रिवर्स कर दो, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। उसके बाद देखें आप, इन दोनों को लेते हैं हम लोग, ये दोनों क्या है, tan inverse x minus tan inverse y, ये क्या है, tan inverse y minus tan inverse z plus pi लिख लेता हूँ, it is plus tan inverse z minus tan inverse x, सब कैंसिल हो जाता है, ये इससे गया, ये इससे गया, ये इससे गया, आंसर इज pi, आंसर इज pi। यूजुअली क्या होगा, इसका आंसर लोग जीरो छोड़ेंगे, जो कि गलत है, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है।